अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो है जी, हाउ डू यू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रोबोट सेंसर्स टू द रोबोट कंट्रोलर्स। यानी आपके ये जो रोबोट सेंसर्स से रोबोट कंट्रोलर्स तक मालूमात हैं उसकी, वो कैसे पहुँचते हैं, उनकी रसाई कैसे होती है, मतलब ये जो जितने भी रोबोट सेंसर्स हैं हमारे, उनका जो उनका जितना भी डाटा है वो रोबोट कंट्रोलर तक मालूमात कैसे पहुंचाते हैं, ये क्वेश्चन होगा हमारा। आइए शुरू करते हैं। वी कैन सेंड एनी इंफॉर्मेशन, हम किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है उसको भेज सकते हैं फ्रॉम द रोबोट सेंसर्स, यानी रोबोट सेंसर्स से टू द रोबोट कंट्रोलर थ्रू द सिग्नल। हम रोबोट सेंसर से रोबोट कंट्रोलर तक मालूमात या पैगाम सिग्नल के ज़रिए भेजते हैं, ठीक है, सिग्नल के ज़रिए हम इनको भेजते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम ऑफ द इंडस्ट्री विच हाईली यूज्ड द रोबोट्स, नेम ऑफ द इंडस्ट्री विच हाईली यूज्ड रोबोट, उन सनतों का नाम बताएं जो रोबोट को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो इसमें जो सबसे हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री विच हाईली यूज रोबोट्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, ऑटोमोबाइल जो के इंडस्ट्री है, ऐसी सनत है, यानी ऑटोमोबाइल एक ऐसी सनत है जो तैयारी के लिए रोबोट का इस्तेमाल करती है, जो कि बड़े पैमाने की तैयारी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल करती है। तो बच्चों आपके लिए आज के ये दो क्वेश्चंस होंगे। नंबर वन पे है हाउ टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रोबोट सेंसर्स टू द रोबोट कंट्रोलर्स, एंड द सेकंड है जी, नेम ऑफ द इंडस्ट्री विच हाईली यूज्ड द रोबोट्स। अल्लाह हाफिज़।